आइए करण जी के करते हैं। एक नाम लिख रहा हूं, मुझे ये बताना कि क्या ये नाम आपने सुना है। विक्रम दुर्रई स्वामी। नहीं सुना? क्या बात है, पेपर बढ़िया हो गया क्या? दोस्त में आ जाता है कई बार, कोई बात नहीं, हो जाता। चलिए जी, कोई बात नहीं। ये अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है, ध्यान रखना। हो सकता है आज या कल के अखबार में आप पढ़ लो, कल शाम की बात है ये। हाँ, तो आज के अखबार में आएगा, आप देख लेना। ये क्या है, ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त है, हाई कमिश्नर। ये हाई कमिश्नर का मतलब वो नहीं है कोई कमिश्नर वाले साइड में चले जाओ, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटेन में भारत के राजदूत है। ठीक है ना, राजदूत है ब्रिटेन में, हाई कमिश्नर है ये। ठीक है ना, एक तरीके से राजदूत है ये। इनका नाम है विक्रम दोरई स्वामी। अब ये क्यों चर्चा में है, देखिए ब्रिटेन में एक स्थान है। ठीक है ना, अब मुझे लगता है कि पहले आपको ये थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में बताना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो तुम फिर कहोगे सर ये तो अलग हो गया, ये तो अलग हो गया। देखिए ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन, इसमें तीन देश आते हैं। ठीक है ना, उसको टोटल तीनों को हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है ना, फिर ब्रिटेन के साथ यदि अपने आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड मिला देते हैं तो वो यूके बन जाता है। ये इसकी कहानी होती है। एक बार मैं यूके की बात नहीं कर रहा, केवल ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। इसमें क्या है, तीन देश आते हैं। तीन देश कौन कौन से हैं, एक तो आता है इसके अंदर इंग्लैंड, एक इंग्लैंड आएगा, और एक आता है इसके अंदर वेल्स, और एक आता है इसके अंदर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आता है ये, एक इंग्लैंड आता है, एक वेल्स आता है, और एक स्कॉटलैंड आता है। चलो, अब हुआ क्या, ये जो स्कॉटलैंड है इसमें एक जगह है, उस जगह का नाम है ग्लासगो। ग्लासगो ग्लासगो चले आइए। ये जो ग्लास्को है, आप जानते हो हमारे यहाँ भारतीय बहुत रहते हैं, इस ग्लास्को के अंदर क्या है, एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा मतलब आप समझ गए होंगे, सिखों का धार्मिक स्थल है ये, गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में इनके जाने की प्लानिंग थी, ये जगह गए थे, तो वहां पर क्या हुआ, इनका अपमान किया गया, इनको प्रवेश करने नहीं दिया गया, ऐसा सा हुआ बात। अब आप देखिए, धार्मिक स्थल में इनको जाने से रोका गया। ठीक है ना, बात कुछ भी रही हो, लेकिन अब ये क्या मुद्दा वैसे नहीं रहा, ये धार्मिक स्थल बन गया सारा मामला। ठीक है ना, कुछ चरमपंथी थे, चरमपंथी का मतलब समझते हो, चरमपंथी, चरमपंथी का मतलब ऐसे होता है जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट है ना, एक्सट्रीम्स, एक तरीके से आप कह सकते हो गरम दल। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, इनको रोका। अब आप देख लीजिए, ये छोटी घटना नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है ना, जैसे आप कल का पेपर देखोगे नहीं, वो कहां गया था क्या था उधर। और भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है वो संबंध इससे प्रभावित होते हैं। अभी हम मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, बीच में ये घटना घटित हो गई, ऊपर से ये जो ऋषि सुनक जी G20 में आए थे तो ये मंदिरों में चक्कर लगा के गए, तो हमने यहाँ तक कह दिया कि भाई ये देखो ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं, सारा ऐसा प्रोग्राम करने लगे थे ना, अपन ये घटना हो गई। लेकिन तो सवालिया चिन्ह लग जाते हैं इस पर। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में इनको जाने से रोका गया, चरमपंथियों ने रोका। चरमपंथी वो होते हैं जो कहते हैं हम ही हैं और कुछ नहीं है, अपने नियम बना रखे हैं उन्होंने, अपने ही नियम बना रखे होते हैं, बस जी जो है, हमारे आने की जरूरत नहीं है, अपने नियम बना रखे। जैसे होता है ना, जैसे कहते ना जी इनको मंदिर में नहीं आने देंगे हम, इनको मस्जिद में नहीं आने देंगे हम, इनको हम गिरजाघरों में नहीं आने देंगे, ये हमारा है। ऐसा लगता है जैसे उसने खुद नहीं बनाया है, उसको फील होता है ये, ठीक है, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं है। बस वो चरमपंथी होते हैं जो कि क्या है कि बेमतलब की चीजें करते रहते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, इस धार्मिक स्थल में कुछ चरमपंथियों ने इन्हें प्रवेश करने से रोका, चले। एक ये न्यूज है अपने पास, एक आप जानते हो एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, पहली बात तो इसकी स्टार्टिंग कम हुई है, बहुत बड़ी महाभारत है, ये आसान नहीं है। आज सुबह ही मैंने एक क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान देख लो, आपको पता लग जाएगा। कई लंडूर तो ऐसे हैं, भगवान जाने क्या क्या करके आ जाते हैं, भगवान ही जाने पता नहीं क्या कर देते हैं। और आप, मैं नहीं कह रहा, देख लो, मैंने तो अभी देखा भी नहीं होगा, आप देख लो चाहे स्वच्छ भारत अभियान, नहीं पता होता और हिस्सा लेने भी चले जाते हैं कई कई, तो कितना ने सही बताया है, 67%। अब देखो 67% बच्चों ने सही बताया है। आप इसको 67 में मत आंकिए, वो मत सोचो, आप ये सोचो क्वेश्चन का लेवल क्या है। कोई आपसे ये नहीं पूछा कि स्वच्छ भारत अभियान कितने बजे चालू हुआ था, आपसे डेट पूछी है, समझे ना। तो 2014, 2015, 2017 इसमें ही कंफ्यूज हो गए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंटेंट है उसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। भाई 2014 का मतलब 2014 है जी, ज्यादा से ज्यादा आप 14 कह दीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकते। ये तैयारी होती है, इसको तैयारी बोलते हैं यार। 14 में तो आया था, फिर कुछ तो टाइम लगाया ही होगा, तो 15 दिमाग लगाता है वो, आते ही तो क्या किया होगा, वो बाद में अगले साल ही कर दो, लो भाई 2015 ये है। तो ध्यान रखना, ये 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। अब भारत को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य है,
भारत को स्वच्छ बनाना, इसका उद्देश्य है ये। अब लेटेस्ट में हमारे सामने इस संबंध में क्या प्रोग्राम हुए, देखिए इस संबंध में एक प्रोग्राम तो ये हुआ था कि 17 सितंबर 2023 से आगे 2 अक्टूबर 2023 तक अब ये भी एक गजब चीज है भाई, ये जो है मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है 17 सितंबर, ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 2023 पूरे को मत कर देना, पता लगा अगले महीने बर्थडे मना रहे हो। और जो 2 अक्टूबर है ये महात्मा गांधी का जन्मदिन है। इस पूरे सिस्टम को ये जो पखवाड़ा है 15 दिन इसको मनाया गया सेवा पखवाड़ा। ये पखवाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लेना भाई, 15 दिन का जो क्राइटेरिया होता है ना देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सेवा पखवाड़ा। और तो और ये जो दिवस है इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए ये बात अलग है कि कई लोग इसे बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 2 अक्टूबर है इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। और इसकी जो घोषणा की थी थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, उसको तो रहने दो, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी और ये जो पहली बार मनाया गया था, सबसे पहले ये मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार मनाया गया था ये। चले आइए, इस संबंध में एक श्रमदान का संकल्प लिया गया। श्रमदान ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखाने जा रहा हूं, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2023 कल का है, आज का नहीं, 1 अक्टूबर 2023 को 1 घंटा 1 ओवर, ये भी ध्यान रखना, 1 घंटे के लिए, ठीक है ना, ये आएगा क्वेश्चन किसी न किसी रूप में, 1 घंटा। अब 1 घंटा कौन सा, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10 से 11, ध्यान रखना सुबह रात का नहीं है, ये चीजें ध्यान रखा करो। कल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया आरएएस प्री 2023 के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया कि अस्त्र का परीक्षण किया गया, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी गुंडी को पता नहीं कैसे पकड़ा उसने और कैसे गड़बड़ी हो गई। अब ये तो जानते ही हैं, अस्त्र याद कीजिए, जब मैंने आपको ये करवाया था तब मैंने कहा था अस्त्र ए हस्त, हाथ नहीं इस्तेमाल होंगे, मतलब सतह का तो सवाल ही पैदा नहीं, हवा से, हवा में मार करने वाले,
ये थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, दृश्य से परे, दृश्य सकते हैं, अब कैसे देख सकते हो, इतना ही सोच लो, ठीक है ना। तो ये ऐसे मतलब थोड़ा सा बिगाड़ने लग गए ये काम को, इसमें क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देता है ये। तो वैसे ये ध्यान रखना सुबह 10 से 11 बजे तक। यहां पर क्या कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से लेकर जो मंदिर है घर में, वहां से लेकर बाहर जो भी नदियां है, झील है, तालाब है, जो भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, एक प्रोग्राम डिजाइन करें कि हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे और एक घंटे तक हम ये करेंगे। इसको नाम दिया गया है श्रमदान। भाई इतना श्रमदान करेंगे, कोई भी व्यक्ति निकलो और साफ करो। संडे का दिन था, ये सारे फ्री थे, तो श्रमदान का संग एक घंटा, ध्यान रखना है ना, ये महत्वपूर्ण बात होती। हम जब पढ़ते थे तो हमारे सर थे, जैसे असेंबली हो रही है होता ना, कई बार ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हो जाते थे, कई बार ऐसे होता था, तो सप्ताह में क्या करते, और इतने सारे बच्चे, कम से कम 400 बच्चे, और 400 बच्चे पूरा ग्राउंड ऐसे, तो वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, बस 10 मिनट आप यहाँ पूरे ग्राउंड में फैल जाओ, और जितने भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है उनको एक साइड में कर दो। साइड में करने के बाद आप हैरान रहोगे, एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता था। अरे यार साफ कर दिया, और कितने टाइम लगा, 10 मिनट लगा साफ हो जाता। अब किसी को लगवाते तो मरा मरा करता, 10 मिनट के अंदर। ठीक वैसा ही सिस्टम ये रखा। इसमें एक आंकड़ा आया है, आप वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिख दीजिए, इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 6,40,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया, मतलब स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया, आप ये कह सकते हो। क्लियर होगी बात सारी। तो ये अपडेशन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये महत्वपूर्ण है। एक और बताऊंगा आगे चलकर, अभी वक्त हो चुका है। एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है। और एक मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने चलते चलते पढ़ा था, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जनजातीय यूनिवर्सिटी, शेड्यूल ट्राइब यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा उस पर नजर रखना, आज के अखबार में आपको मिल जाएगा, बाद में मैं उसको व्यवस्थित करके बता दूंगा। मेन बात यह है कि सगम्मा ऐसा सा नाम है, मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, सगम्मा ऐसा सा नाम है, आदिवासी से संबंधित है, थोड़ी सी जानकारी उस पर लो, ठीक है ना। जैसे बिरसा मुंडा, ठीक है ना, बिरसा मुंडा होता है ना जनजातीय क्षेत्र के, वैसे ही वो एक महिला है जिसने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में बात कर लो। चलिए जी, इतनी क्लास बात करेंगे आज।